हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। आगामी त्योहारों को देखते हुए भोलानाथ नगर में डीसीपी रोहित मीना ने आरडब्ल्यूए अमन कमेटी और एमडब्ल्यूए के साथ की अहम बैठक। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सहादरा जिला के भोलानाथ नगर की है, जहां सहादरा जिला के डीसीपी रोहित मीना ने आरडब्ल्यूए एमडब्ल्यूए और अमन कमेटी के लोगों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में सहादरा जिला के एडिशनल डीसीपी कुशलपाल सिंह, सहादरा जिला के तमाम थानों के एसएचओ और तमाम एसीपी रहे, जहां डीसीपी का सबसे पहले स्वागत किया फूलों का गुलदस्ता देकर अमन कमेटी के लोगों ने। इसके अलावा शॉल पहनाकर भी उनका स्वागत किया। वहीं बता दें कि आगामी होली और शबे बारात को लेकर ये अहम बैठक हुई, जिसमें डीसीपी रोहित मीना ने कहा कि अगर आपके आसपास इलाके में अगर कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत पुलिस को बताएं। इसके अलावा जो शबे बारात वाले दिन जो रात में जो कुछ लोग मोटरसाइकिल पर हुड़दंगी करते हैं, उसके बारे में भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का मोटरसाइकिल पर हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी भी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई आपकी गलियों में दिखाई देता है तो उसे भी कंट्रोल करें। इसके अलावा कहा कि होली वाले दिन अगर कोई भी दारू पी के वाहन चलाता है या दारू पीता है तो उसके बारे में भी आप पुलिस को सूचित करें। वही हम बता दें कि होली और शबे बारात एक ही दिन है, जहां दिन में होली होगी और शाम से शबे बारात चालू हो जाएगी। वहीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सहादरा जिला के जितने भी थाने हैं उन सभी थानों के एसएचओ भी मौजूद रहे इस मीटिंग में, क्योंकि हर थाना क्षेत्र से आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए और अमन कमेटी के लोग पहुंचे थे। इसके अलावा सहादरा जिला के जितने भी डिवीजन है उनके एसीपी भी पहुंचे। ये प्रोग्राम सोमवार की दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चला। सुने आप डीसीपी रोहित मीना की बाइट। सौहार्द का माहौल है, अमन कमेटी सारे जो हमारे समाज के गणमान्य व्यक्तियों की एक मीटिंग बुलाई थी और जिसमें हमने बहुत ही अच्छा सा डिस्कशन किया। सर, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी और जितने भी आरडब्ल्यूएन सबके साथ में मिलकर सहयोग कैसा रहेगा और इसके साथ क्या कोई अलग से प्रचार भी होना है आप लोगों की ओर से? हम ये जैसा कि आपको पता है कि त्योहारों का सीज़न आने वाला है और कई सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो इसी के चलते हम आपस में सौहार्द बनाने के लिए और आपस में हमारी जो समाज में भूमिका बनाने के लिए त्योहारों को चलते हुए हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, और इसी के चलते हुए ताकि हमारा डायलॉग ओपन रहे, कोई भी छोटी मोटी समस्या हो वो हम आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें और इलाके में अच्छा माहौल बना रहे। सर, होली दिवाली पर अक्सर सवरात पर होली पर ये शिकायत रहती है कि जो युवा हैं वो बाइक दौड़ाते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए हमारा इंतजाम, पुख्ता इंतजाम तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ हमने समाज में लोगों से अपील भी करी है कि अपने जो भी बच्चे हैं या जो भी युवा वर्ग है उनको समझाएं कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से त्यौहार को मनाएं और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त ना हो। शुक्रिया। बीते 2 वर्षों में कोरोना के चक्कर में कोई भी उत्सव या त्यौहार नहीं हो पाया, लेकिन अब सब कुछ स्थितियां सामान्य हो गई हैं तो लोग बढ़ चढ़ करके निकलेंगे और हम लोग की प्रयास रहता है कि कोई भी पूरे देश में या साल भर में जो भी चाहे धार्मिक पर्व हो या राष्ट्रीय पर्व हो जहाँ पब्लिक की भागीदारी होती है तो शांतिपूर्वक निपटे और पुलिस के साथ मिलकर के सामाजिक लोगों को एक बैठक का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में आज सहादरा जिले की एक बैठक थी जिसमें पूरे जिले से जो है सामाजिक लोग, जो सामाजिक मौजिर लोग थे, चाहे हमारे आरडब्ल्यूओ के हों, मार्केट एसोसिएशन के हों या एनजीओज के हों और भी सभी अमन कमेटी के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के लोग जो हैं सब लोग बैठे थे यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी थे, सारे एसएचओज थे, सारे एसीपीज थे। मिलजुल के बैठ के लोगों से सलाम मशवरा हुआ कि किस किस तरीके से कैसे जो हमारे एक देश की गंगा जमनी तहजीब है, जो आपस में मिलजुल के हम प्यार मोहब्बत से सारे पर्व और त्यौहार मनाते हैं, तो वो भी इस बार भी शांति से मने, प्यार से मने, एक दूसरे के सहयोग से मने। और एक संदेश भी देना चाहती हूँ साथ में कि जिस तरह से ईश्वर ने हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं किया है, सभी संप्रदाय को एक लेकर चले हैं, इसका प्रमाण है कि होली और शबे बारात एक ही दिन है। ईश्वर जो है एकता बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर के दिए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और इस एकता को बनाए रखना चाहिए। साथ में सभी को एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि होली के दिन जो लोग अपने घरों से गुब्बारे या भर के पानी भर के जो बाइक पे जाने वालों को फेंकते हैं, वो ऐसा करने से अपने बच्चों को रोकें, क्योंकि बाइक जब स्पीड पे जा रही होती है और ऊपर से जब गुब्बारा गिरता है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो ये संदेश मैं सभी को देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे स्पीड में जा रही बाइक, स्कूटर, टू व्हीलर्स पर जाने वालों को मारने से रोकें, और शबे बारात वाले दिन ड्रिंक करके घूमने वाले बाइकर्स को रोकें, या जो ड्रिंक करके जा रहे हैं वो गलत संदेश फैलाना चाहते हैं उनको आप जितना रोक सकते हैं रोकिए। धन्यवाद। जो आज ये अमन कमेटी की मीटिंग हुई, इसमें आने वाले त्यौहार होली,
होली का, रामनवमी का जो शब्बा बारात है उस विषय में मीटिंग हुई। ये विषय है कि जो भी उद्यम होता है बच्चे होली पे या शब्बा बारात पे उद्यम मचाते हैं, उनको बच्चों को पहले समझाया जाए, उनको ब्रीफ किया जाए कि वो बाहर आके सड़कों पे आके उद्यम ना मचाएं। और होली पे भी ऐसा ही है, लोग जो ड्रिंक करके बाहर आके गड़बड़ करते हैं या करते हैं, उनको शांत रखा जाए। दिल्ली पुलिस ने भी ये बताया, हम भी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं।